और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा हमले की बरसी पर बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। जम्मू बस अड्डे से 7 किलो RDX बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। बड़े आतंकी हमले की फिराक में आतंकी थे और तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं ये फाइल फुटेज है। जिस तरीके से आज पुलवामा की दूसरी बरसी है उसके बाद भी देखिए आतंकी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। प्रत्युष, जिस तरीके से डोभाल के ऊपर रेकी करवाई गई है, ये भी एक बदला लेने की कोशिश की जा रही थी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह हुए। इस तरह की फिराक में लगातार पाकिस्तान के आतंकी संगठन लगे रहते हैं। आज देखिए पुलवामा हमले की बरसी है। पुलवामा हमले में भी इसी तरीके से RDX का इस्तेमाल किया गया था और इस बार आज भी ऐसी ही कोशिश थी लेकिन जिसे नाकाम कर दिया गया। जम्मू बस अड्डे से 7 किलो RDX बरामद किया गया है। 7 किलो RDX, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते तो वो बड़ा नुकसान कर सकते थे, लेकिन सुरक्षा बल और IB को जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर ये उनके मंसूबे को नाकाम करने में कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे ये आतंकी, तो ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए कहेंगे। जिस तरीके से आतंकी साजिश को न सिर्फ नाकाम किया है, ये 7 किलो RDX जो बरामद किया गया है ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये 7 किलो RDX आया कहां से, कौन अभी भी है जो आतंकियों को कहीं ना कहीं से अंदर से मदद कर रहे हैं, क्योंकि वजह यही है कि आज बरसी है और आज के दिन ही ये प्लानिंग की जा रही थी कि 7 किलो RDX का इस्तेमाल करना है। लेकिन देखिए ये बहुत बड़ी कामयाबी प्रत्युष, क्योंकि हमारे जवान जो है वो डटे हुए। धारा 370 हटने के बाद से अगर हम इलाके में देखें तो आतंकी घटनाएं भी कम। दरअसल इस पूरे इलाके में जहां पर सर्च ऑपरेशन चलता रहता, आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चलती रहती, इससे भी उनके अंदर एक बौखलाहट है और लगातार इस तरह की फिराक में रहते हैं। और देखिए आज बरसी के दिन को चुना गया था, हालांकि इससे बड़ी कामयाबी आप कहेंगे कि सुरक्षा बलों ने वक्त रहते RDX को बरामद कर लिया। अब सवाल यह है कि आखिर इस आतंकी संगठन के इसके पीछे मंशा कहां थी, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर के बस अड्डे से, ये जम्मू के बस अड्डे से 7 किलो RDX बरामद हुआ। क्या इसकी प्लानिंग जम्मू में थी या फिर वहां से इस RDX को कहीं दूसरी जगह ले जाना था, ये सारी चीजें पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएंगे। हालांकि इस पूरे इलाके में जो सक्रिय हैं, जो वहां के स्लीपर सेल्स, उन सब पर भी रडार पर वो सारे के सारे लोग रडार पर रहते हैं और ये लोकल इनपुट से पता चल पाता है कि आखिर इनके पीछे इनका इरादा क्या था। राजू किरनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए ये 7 किलोग्राम जो है ये RDX के साथ फिटेड IED थी, इसमें टाइमर जो है वो लगा हुआ था, ये एक बैग में जो है वो पैक थी, जिसे पुलिस ने जो है बस स्टैंड एक इलाके में जो है पुलिस ने इस IED को जो है इसको रिकवर किया है। और इसके साथ जो है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जो सूचना मिली है, इसके साथ जो है एक मिलिटेंट जो उसको कैरी कर रहा था उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। इसको अभी पुलिस जो है शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें पुलिस की तरफ से जो है ये बताया जाएगा कि इसकी मंशा क्या थी, क्या इरादा था। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान और सब्जी मंडी के इलाके जो होते हैं हमेशा साफ टारगेट ट्रेन के मिलिटेंट्स के रहे हैं। यहाँ पहले भी ग्रेनेड थ्रो जो है 2-3 बार हो चुका है, लेकिन ये जो है RDX के फिटेड टाइमर जो है ये जो 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 IED है ये अपने आप में इसके ग्राम। राजू, ये RDX 7 किलोग्राम, ये RDX एक वैन में था, आप कह रहे हैं कि बकायदा उसमें टाइमर भी लगा रखा था और एक आतंकी था जिसको पकड़ लिया गया है। जी, एक आतंकी भी था जिसे पकड़ लिया गया। किस संगठन का है, कुछ पता चल पाया? जैशे मोहम्मद का है, किसका है? अभी इस बारे में कोई जानकारी जो है पुलिस की तरफ से नहीं आई है, लेकिन इतना जो है सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये जो आतंकी पकड़ा गया है ये पुलवामा का रहने वाला है। जाहिर सी बात है ये साउथ कश्मीर का जो है इलाका है, वहीं से ही ये पकड़ा गया था। और पिछले अगर एक हफ्ते की हम बात करें तो 2 आतंकी जो पकड़े गए हैं ये जम्मू में, और दोनों के दोनों जो है साउथ कश्मीर के ही रहने वाले थे। क्या इनका टारगेट सिर्फ जम्मू था या फिर इस RDX को कहीं दूसरी जगह मूव करना था? देखिए जिस जगह पर ये RDX बरामद हुआ उसमें ही जो ये लोग चाहते हैं, क्योंकि अब जो है बस स्टैंड पे जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस जो है वो चलना शुरू हो गई हुई है, लोगों की भीड़ भाड़ होती है, यहाँ पे काफी रश होता है। और ऐसे में अगर ये यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है इस इलाके में और इस इलाके का ये 7 kg RDX का जो है ये उसके का काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और जिसको इनका जो टारगेट था वो यही टारगेट जो है वो यानी राजू यानी कि पुलवामा जैसे ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का इरादा रहा होगा इन लोगों का।
जी बिल्कुल, क्योंकि ये इलाका जो है इसके नजदीक ही सिविल सेक्ट्रेट है, इसके नजदीक ही रघुनाथ मंदिर का इलाका है, इसके नजदीक ही सारे जो है जम्मू का ये एक हार्ट ऑफ सिटी का इलाका है। और इसी इलाके से ब्लास्ट होने का मतलब जो है जम्मू में बड़ी भारी तबाही होनी, जिसे समय रहते जो है चलिए अच्छी बात रही। और इससे एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता कहेंगे कि समय रहते इस आरडीएक्स को बरामद कर लिया गया और उस आतंकी को भी पकड़ लिया गया जो कि उस वैन में मौजूद था। अब इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इनके इरादे क्या थे।